नर्मदा आ गई बेटा, आजा आजा बेटा, देखो तुम्हारी दादी माँ आ गई। और सबसे पहले इससे मिलो। ये कायरा है, तुम्हारी बहू है। आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो समझे? मैं जानती हूं कि मैं वो नहीं हूं जिसे आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, एक इंसान होने के नाते मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि एक औरत एक लड़की को रिस्पेक्ट करेगी। रिस्पेक्ट चाहिए तुझे और मेरी आरुषि का? आरुषि कहाँ है? किसने हाथ लगाया इसे? ये उसी का घर है और ये जगह उसी की है। माँ बेटा चिंता क्यों नहीं हो? माँ किसने उसे हटाया है? पहले बताओ ये आरुषि को निकाला किसने? माँ माँ मेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसने दिया ये हक तुम्हें? नर्मदा क्या कर रही है माँ? भाई से घर से निकाल देगी। तुम मत चिल्लाइए इतना। इसने नहीं, व्यू ने अरुषि का फोटो हटाया है। नर्मदा ये क्या पागलपन है बेटा? हाँ माँ पागल ही हूँ मैं, गीता दीदी से पूछिए। इसीलिए कह रही हूँ मैं ये नहीं देख सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे जाने दीजिए। क्यों आप ऐसा कर रही है माँ, समझने की कोशिश में? बस मैं बहस नहीं करना चाहती बेटा, कही हूँ। और तू जो भी फैसला करेगा मुझे मंजूर है। बेटा अगर तुम रुक जाओ तो कोई ना कोई हल तो हम निकाल ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम यहां रह लोगी मुझे यकीन हो जाएगा कि ये घर फिर से एक बार घर बन सकता। तुमने अभी भी कहा कि तुमने ब्रोकन फैमिली देखी है, तो यही मौका है कायरा इस ब्रोकन फैमिली को भी जोड़ने का। अगर तू हर फैमिली को खुश देखना चाहती हो तो बस यहीं से शुरुआत कर लो ना, तब मानूंगी मैं। दादी मैं ऑलरेडी सबसे कह चुकी हूँ कि मैं जा रही हूँ। हाँ तो क्या हुआ? एक ऐसा आइडिया है जिससे किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है।